ओके हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम बात कर रहे थे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री पे, जिस पे ऑलरेडी 9 लेक्चर हमने डिस्कशन में ले लिए हैं। आज बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 10th पे, जिसका टॉपिक है आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ऑलरेडी आपको मैं पहले के लेक्चर पे भी समझा चुकी हूँ, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए, ये जितने भी टॉपिक मैंने हाईलाइट किए ये हम ऑलरेडी डिस्कशन में ले चुके हैं। लास्ट लेक्चर या फिर मैं बोल सकती हूँ लेक्चर नंबर 8th पे मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा रही थी। लेक्चर नंबर 8th पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने कवर किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ही अंदर एक टॉपिक बनता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको हमने इसके बाद यानी कि 9th लेक्चर पे कवर किया था। और ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है, इसकी तीन रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से एक रिक्वायरमेंट थी कि कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, और उसी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को आज हमने पढ़ना है। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने समझाया था, बट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो क्या आप आंसर कर पाएंगी, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। तो मैं देखो पहले से बोलती हूँ, चीजों को सीरीज से पढ़ो। आपने अगर पहले की चीजें पढ़ी होंगी तो ये चीज आपको ऑलरेडी आ रही होगी, मैं आपको बस आने की जरूरत है, आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर पे। ये पुराने नोट्स हैं जो हम पहले डिस्कशन में ले चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक के, ये पुराने नोट्स हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम आज के टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये है हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आज का टॉपिक, ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या फिर सिमेट्री एलिमेंट मतलब होता क्या है, तो देखो एक बार जस्ट सुनना। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बोला था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो या फिर उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको दिखे, तो कंपाउंड को तीन कंडीशंस माननी पड़ेंगी। पहली चीज, उसमें कायरलिटी होनी चाहिए, लास्ट लेक्चर पर डिस्कस कर लिया था। वो आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, लास्ट लेक्चर पर डिस्कशन में ले लिया था। और इसी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं कि कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट भी होनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तभी हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तभी हम लोग यहाँ पे भी ऑप्टिकल एक्टिव मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वरना यहाँ पर इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। ये हम पर्टिकुलरली एमएससी में आपकी ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी अगर किसी कंपाउंड में, तभी हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। और इसका एक केस बनता है मीसो कंपाउंड का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो हमारा मीसो कंपाउंड है, यहीं पे अगर मैं लिखूं कि जो हमारे मीसो कंपाउंड होते हैं, ये मीसो कंपाउंड भी एक टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। जैसे डी और एल आइसोमर मैंने पढ़ाए थे, वैसे ही आपके मीसो कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। लेकिन डी एल एल भी आपके ऑप्टिकल आइसोमर है, मीसो कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है कि ये डीएल जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और मीसो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। भाई इतना बड़ा भेदभाव क्यों, इतना बड़ा भेदभाव इसीलिए क्योंकि मीसो कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक एसेंशियल कंडीशन है कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बनाने के लिए, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक यहाँ पर को पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब बहुत आसान है, 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, हमारे पास पर्टिकुलरली तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं, वैसे और भी होते हैं, वो हम लोग आगे एमएससी में ग्रुप थ्योरी पर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली बोलते हैं हमारे पास तीन एलिमेंट होते हैं। और उन तीन एलिमेंट में पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें खासा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ज्यादा कोई रोल नहीं होता, इसको हम कंसीडर भी नहीं करते। मेनली हमारे पास दो होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन दोनों को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कंपाउंड में सिमेट्री है या फिर नहीं है। और आपको पता है, अगर सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो नाम से समझ में आ रहा कि सिमेट्री किसकी वजह से आएगी, प्लेन की वजह से, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में मैंने एक प्लेन डालना है। अगर प्लेन डालने के बाद आपका मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में कट जाता है या फिर सिमेट्री में कट जाता है, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वहां पर को प्रेजेंट है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है क्या लिखा हुआ है, बहुत आसानी से क्लियर आ जाएगा। देखो मैंने ना लास्ट लेक्चर पे आपको एक बॉल की चूबी समझाया था, एक बार समझा भी देती हूँ आपको दोबारा। देखो सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, दोबारा अगर आपने सुना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके पास एक बड़ी सी बॉल है, इतनी बड़ी सी बॉल है, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ इस बॉल में मैं पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेते हुए चल रही हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि मैंने इसकी सिमेट्री चेक करनी है बाय द प्लेन। तो अगर मैं बोलूँ इसके बीच में मैंने एक प्लेन डालना है, मैंने यहाँ से एक प्लेन ऐसे डाला
और इसको ऐसे टू इक्वल हाफ में कट कर दिया। अब आप खुद ही बताओ, ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ इक्वल तो है ना, मैंने एक अच्छी बॉल नहीं बनाई, बट एक बॉल को अगर आप बीस से कट करोगे तो ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ इक्वल आएगा, यानी कि सिमेट्रिकल आएगा। तो मैं बोलूंगी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप एक हमको ही लेना, आप अपने आप को ही ले लो, आप खुद ही सोचो, आप यहाँ पर को खड़े हैं और आपके बीच से एक प्लेन डाला जाए तो आपका लेफ्ट हाफ आपके राइट हाफ के इक्वली तो आएगा। इट मीन्स आप में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और हमारे नेचर में मोस्ट ऑफ द चीजों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती ही होती है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री समझाऊं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बस इतना कहती है कि अगर मैं सेंटर पे गई बॉल के, अब यहाँ पर को मैंने कुछ लगाया, यहाँ पे कुछ लगाया, यहाँ कुछ लगाया मैंने कुछ बटन जैसे, ठीक है। अगर मैं ऊपर गई मुझे सेम ही चीज मिली, नीचे गई मुझे सेम ही चीज मिली, मैं आगे गई मुझे सेम ही चीज मिली, पीछे गई मुझे सेम ही चीज मिली, दाएं गई सेम ही चीज, बाएं गई सेम ही चीज, मतलब मैं सेंटर से किसी भी डायरेक्शन पे जाऊं तो मुझे सेम ही चीज मिले, तो मैं बोलूंगी वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बस इतनी सी चीज है, ठीक हो गया। अब थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन ऑफ सिमेट्री को सबसे पहले ध्यान में रखना, इसे सिग्मा से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या, देखो एक्चुअल में मैं कोई प्लेन तो नहीं डालूंगी ना मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये जैसे एक इमेजिनरी प्लेन होता है, या फिर आप बोल सकते हो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मॉलिक्यूल को डिवाइड करती है दो इक्वल हाफ्स में, और एक इक्वल हाफ जो है वो दूसरे की मिरर इमेज लगता है। आप खुद ही देखो, मैं अगर अपने हम लोग अपने आप की बात करते हैं, तो जब मैंने कहा बनाया था डायग्राम, जब मैंने बोला आप अपने आप को इक्वल हाफ में अगर कट कर देते हो तो एक हाफ आपका लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो राइट का ही तो मिरर इमेज लगेगा। अगर मैंने बॉल को ऊपर नीचे काटा तो मैं ऐसा ही तो लग रहा है, ऊपर वाली इमेज नीचे की मिरर इमेज है, तो वही हुआ। तो यही चीज आपको डेफिनेशन में बोल रही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें आप एक इमेजिनरी प्लेन डालते हैं और मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज अगर दिख रहे हैं तो आप बोलोगे आपके मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, ठीक हो गया। अब एक और की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इफ ए मॉलिक्यूल हैविंग अ वन कायरल कार्बन देन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज एब्सेंट। तो देखो ये बात मैंने कहा थी आपको लास्ट लेक्चर पे कि अगर आपको कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है ना जिसमें एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन अगर होता है, कायरल कार्बन क्या होता है ये सारी बातें प्लीज मैंने लास्ट लेक्चर पे बताई है, यहाँ पे नहीं बता सकती। अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो आपको कुछ आगे देखना ही नहीं है, आपने बोल देना है कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ना जो बची हुई कंडीशन होती है जैसे सिमेट्री एलिमेंट, ये सब क्या होती है, खुद ब खुद प्रेजेंट होती ही रहती है। ये बोल रहा है यहां पर को क्या होता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट नहीं, अब्सेंट होना चाहिए, ऑलवेज अब्सेंट। क्योंकि मैंने आपको कल के लेक्चर पे भी बोला एक कायरल कार्बन अगर मॉलिक्यूल में दिख रहा है तो भूल जाओ आगे पीछे की चीजें, उसमें बस इतना ध्यान में रखना कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा एनी हाउ। ओके, अब यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। आप इस कंपाउंड को देखो, क्या इस कंपाउंड ए में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप इसे कोई भी प्लेन डाल सकते हो, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कैसी भी प्लेन आप इसे डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऐसे डालूंगी तो भी मुझे इक्वल हाफ मिल रहा है। देखो अगर मैंने इसे 20 से ऐसे कट किया ना, तो बताओ ये वाला हाफ मेरे इसके इक्वल ही तो है, बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ से कट करूं तो क्या मुझे इक्वल हाफ मिल रहा है? नहीं, ये जो हॉरिजेंटल लाइन मैंने डाल रखी है ये ऊपर वाली नीचे वाली की इक्वल तो नहीं दिख रही, तो मैं बोल सकती हूँ हॉरिजेंटली तो नहीं जा रहा है प्लेन, लेकिन जो वर्टिकल प्लेन यहाँ पर को जा रहा है, मेरा जो वर्टिकल प्लेन यानी कि सिग्मा से मैंने दिखाया कि मेरा जो ये वर्टिकल प्लेन जा रहा है ये मेरे कंपाउंड को दो इक्वल तोड़ रहा है, और मेरा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट के इक्वल है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट। और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है तो कंपाउंड बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस इतनी चीज आपने बतानी है, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सेकेंड में हम कर सकते हैं, आप सबसे पहले कहाँ डालो, वर्टिकल प्लेन डालो, आप ऐसे वर्टिकली से तोड़ रहे हैं, कंसिडर कीजिए वर्टिकल प्लेन आपने डाला, तो बताइए क्या वर्टिकल प्लेन डालने के बाद लेफ्ट साइड राइट के इक्वल दिख रही है? नहीं, आपने घुमाना नहीं, आप ऐसा मत सोचना कि अरे इस हाइड्रोजन को नीचे कर लूं, मिथाइल को ऊपर कर लूं तो इक्वल दिखेगा, नहीं, हिलाना विलाना कुछ नहीं है, आपने देखना है लेफ्ट क्या राइट के इक्वल है, नहीं है। आप ऐसे डाल के देख लीजिए, हॉरिजेंटली डाल के देख लीजिए, बताइए क्या ऊपर वाला नीचे के इक्वल है, नहीं है।
तो यहाँ पे आप वर्टिकली देखो या हॉरिजेंटली देखो, कोई भी प्लेन आपके पास नहीं हो रहे, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये कंपाउंड में मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक अब्सेंट है तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। कितना आसान था, बाकी क्या आप खुद से भी कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रहा है, भाई ये तो मीसो कंपाउंड है, इसको आप बी से कट करो। मीसो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, और ऐसे कंपाउंड ही हमारे मीसो कंपाउंड होते हैं, लास्ट लेक्चर पे बताया था। अब क्या होगा, आप इसे बी से कट कर रहे हैं, ऊपर का हाफ नीचे के हाफ के इक्वल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और क्योंकि ये मीसो कंपाउंड है तो आपको पता है मीसो कंपाउंड तो हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बस इसमें बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आप देखने के लिए लोगों के कि नहीं लग रहा है, बट एक्चुअल में होता है। अगर कार्बन जो है इसके पास चार एटम की वैलेंसी होती है, अगर इस कार्बन के पास मैं बोलूं ए बी सी डी, चार अलग अलग टाइप के एटम है, तो ये कंपाउंड आपका कायरल होगा। और मैंने बोला अगर कोई कंपाउंड आपका एक कायरल कार्बन का होता है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, हमेशा अब्सेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई भी एटम को आप डिस्टर्ब कर लो, दो ए और एक बी और एक सी कर दो, या फिर आप इसमें तीन ए एक डी कर दो, अगर इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन भी बनती है ना, तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, कैसे मैं बताऊं। देखो आप क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ से काट सकते हो, तो बॉल ही है, इस बॉल को मैंने हाफ लिया, इस कार्बन को हाफ लिया, इसको हाफ लिया। अब बताओ ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे भी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या प्रेजेंट है, जिस वजह से कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिंपल, इसमें बताओ देखो वही चीज आ गई, ये कार्बन है, इसके पास चार अलग अलग एटम है, अगर अलग अलग एटम है तो डेफिनेटली कार्बन कायरल हो गया, और एक ही कायरल है तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे बोलोगे ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या अब्सेंट है, जिस वजह से ये कंपाउंड आपका क्या है ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा हमेशा। क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना था, ये सारे एग्जांपल्स आप डाल सकते हो। अगर मैंने बोला और अच्छे से चाहिए ना, तो एमएससी केमिस्ट्री में ग्रुप थ्योरी है, वहां आपको सिमेट्री एलिमेंट इससे ज्यादा भी पढ़ाए हुए हैं, आप चाहे तो आप वहां से भी ये चीज पढ़ सकते हैं और अच्छी नॉलेज के लिए, ठीक है। दूसरे सिमेट्री एलिमेंट पे चलते हैं, तो छोटा सा है ये है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम सी आई से इंडिकेट करते हैं, सी आई ऐसा है, देखो ये और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम ऐसे इंडिकेट करता है। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है एन इमेजिनरी पॉइंट, ये भी तो एक इमेजिनरी है, हमने कोई एक्चुअल में पॉइंट जो क्या बना, एक इमेजिनरी पॉइंट है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट एवरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज हैविंग द सेम यूनिट इन द अपोजिट साइड एट द सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। वही चीज बोल रहा है, वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ, ये बोल रहा है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है जो कि मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट रहता है, और जब आप उस पॉइंट से ना हर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन की ओर जाते हो, स्ट्रेट लाइन खींच के जाते हो, तो आपको एक इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट साइड पे सेम मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। जैसे मैं बना के भी दिखा देती हूँ, इसको देखो ये एक मॉलिक्यूल है, मैं इसके सेंटर पे गई, ये मेरा इसका सेंटर हो गया। अब मैं इसके एक डायरेक्शन में गई, सपोज मैं ऊपर की ओर गई, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर गई, इसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर की ओर गई, ठीक है, मुझे क्या मिला, कार्बन मिला। अब मैं ऐसा नहीं कि राइट की ओर चले जाऊं, ऊपर की बात तो उसका अपोजिट क्या हुआ, नीचे, तो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में गई और इक्वल डिस्टेंस पे गई, यहाँ इतनी डिस्टेंस है तो उतनी ही डिस्टेंस में मैं दूसरे साइड गई, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई कार्बन दिखाई नहीं। अब मैं दोबारा कहाँ गई, मैं यहाँ से गई आपके नीचे की ओर, ठीक है, मैं नीचे की ओर गई, इसी के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऊपर की ओर मैं जाऊंगी, एट द सेम डिस्टेंस मुझे यहाँ तो कार्बन मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर गई, नीचे की ओर, अब मैं ऊपर की ओर गई तो मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। इट मीन्स यहाँ पे मुझे ये कंडीशन फुलफिल्ड होती भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो नीचे कुछ नहीं मिला, लेफ्ट जा रही हूँ तो राइट कुछ नहीं मिल रहा, राइट जा रही हूँ तो लेफ्ट कुछ नहीं मिल रहा। इट मीन्स यहाँ पे आपका सी आई क्या है, अब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, और क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आया, बस इतनी सी बात है। वैसे दूसरे एग्जांपल कर लीजिए, इसमें देखो इसका सेंटर क्या हुआ, ये इसका सेंटर है, दूसरा इंक यूज करते हैं, चलिए ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसका अपोजिट क्या हुआ, यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप मिल रहा है आपको, इसका अपोजिट जाओ मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इट मीन्स यहाँ पे सी आई आपका प्रेजेंट है, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, इट मीन्स आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको देख लीजिए, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, बट हमने इसमें एटम्स को अरेंज दूसरे तरीके से कर लिया है। यहाँ पे सेंटर पे जाओ, ऊपर की ओर मिथाइल, नीचे की ओर हाइड्रोजन,
यहाँ मिथाइल तो यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ मिथाइल मिल रहा है तो यहाँ भी मिथाइल मिलना चाहिए, जैसे ऊपर मिल रहा था मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल बट यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल बट यहाँ हाइड्रोजन। इट मीन्स यहाँ पे सी आई यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, जिस वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। बस इतनी सी तो बात थी। अब इसको देखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो इसको अगर मैं देखूं, इसका सेंटर यहाँ था, ठीक है। अब मैं देखो इस सेंटर से मैं आगे की ओर जाऊं तो मुझे क्लोरीन मिले, मैं यहाँ की ओर जाऊं तो भी मुझे क्लोरीन मिले, यहाँ की ओर जाऊं तो मुझे मिले हाइड्रोजन, यहाँ की ओर जाऊं तो भी मुझे क्या मिले हाइड्रोजन। इट मीन्स यहाँ पर को क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको लगेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे एटम्स हैं वो मैंने वेज ड्रेस में दिखाया है, वेज ड्रेस में दिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है मेरा, इतना जो पोर्शन है जो सिंगल लाइन से, सिंपल लाइन से दिखाया हुआ है, ये मेरे प्लेन में है, और ये मेरे क्या है, प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है। समझ में आया? अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर को अगर ये एक ही प्लेन में होते तो जैसे इनका किया वैसे ही मैं कर लेती, बट क्योंकि ये वेज ड्रेस में है और ये प्लेन से बाहर है, तो अगर मैं देखूंगी ग्रुप तो मुझे सेम मिल रहे हैं, लेकिन हमसे एक इक्वल डिस्टेंस में भी तो बोला था। अब ये प्लेन से बाहर ही चले गए तो डिस्टेंस तो मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी, और अब्सेंट होने की वजह से ये कंपाउंड भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। बस इतनी सी बात थी। अब देखो लास्ट है आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसको ना पढ़ो ना पढ़ो इसकी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको हम कंसीडर भी नहीं करते, बट होता क्या है, आपको और अच्छे से पढ़ना है तो बोला एमएससी वाला पढ़ लेना, वरना सिंपली बता देती हूँ। एक्सेस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे ना अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। जैसे मेरा एक मॉलिक्यूल जैसे ये है, ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसे मैं रोटेट करूंगी बाय एक पर्टिकुलर एंगल। अब वो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा 360 बाय n। अब यहाँ पे मेरी n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली है तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, यानी कि मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करूंगी। अभी बोलते हैं कि आफ्टर रोटेशन मुझे जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो मेरा बिफोर रोटेशन वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो मैं बोलूंगी यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या प्रेजेंट है, अगर नहीं इक्वल है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। बस यही लिखा हुआ है। इफ बाय द रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय द 360 बाय एन एंगल द मॉलिक्यूल ऑब्टेन इज अ सिमिलर टू द प्रीवियस वन, ये वन है, ओके ओपन हो गया। तो ये बोल रहा है कि वो मॉलिक्यूल आफ्टर रोटेशन, आपके फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल जो बिफोर रोटेशन वाला था उसके सिमिलर अगर है तो हम बोलेंगे कि दोनों में क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। और एक्सेस ऑफ सिमेट्री वैसे हम कंसीडर नहीं करते, वरना बोल सकते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस इतनी सी बात है, बट बोल रही हूँ अभी भी कि अगर आपने और अच्छे से पढ़ना है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस इतना था, हमारा छोटा सा लेक्चर था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स वो स्टार्ट होने वाला है। इस पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस पूछ लेंगे, प्रॉपर्टी पूछ लेंगे, एग्जाम्पल पूछ लेंगे, ठीक है। तो बस थक गए, इतना हम लोग खत्म करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।